दो हफ्ते का वक्त दिया है पुनः सुनवाई के लिए, इस मामले को 15 तारीख को रखा है, कि क्या इस स्थिति में दोबारा उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है या कोई सजा दी जा सकती है? कोर्ट ने 15 मई को आगे सुनवाई की डेट लगाई है और जब तक के लिए निचली अदालत के आगे जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको स्टे कर दिया। राहुल गांधी के मामले में आज राहुल गांधी जी की तरफ से एक याचिका दाखिल करके और उसमें गुजरात हाई कोर्ट के सूरत का जो फैसला था वो लगाया गया और कोर्ट से ये प्रार्थना की गई कि राहुल गांधी जी को मानहानि मुकदमे में, जिसमें कि जो उन्होंने अपना बयान दिया था कर्नाटका के कोलार में, जिसके आधार पर उनके खिलाफ सूरत में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, पटना में भी हुआ था और इन कई जगह पर हुआ था, तो उसमें कहा कि पटना का मुकदमा आगे अब नहीं चलना चाहिए क्योंकि सूरत में उनके खिलाफ बाजाब्ता मुकदमा चला करके ट्रायल करके और फैसला आ गया है जिसमें उनको सज़ा दी जा चुकी है, तो अब दोबारा उसी अपराध के लिए उनको यहाँ सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। इसका हमारी तरफ से विरोध किया गया है और झारखंड हाईकोर्ट में एक फैसला आया था उसका मैंने हवाला देकर के वो फैसला कोर्ट को दिया है कि उसमें राहुल गांधी इसी प्रकार गए थे वहाँ अपने इस याचिका के द्वारा उस मुकदमे को खारिज कराने, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, लेकिन वो फैसला गुजरात के फैसले के आने के पहले का था, तो उन्होंने हवाला दिया, तो कोर्ट ने मुझे वक्त दिया है और कहा कि आप जवाब दें और मुझे दो हफ्ते का वक्त दिया है पुनः सुनवाई के लिए, इस मामले को 15 तारीख को रखा है, कि क्या इस स्थिति में दोबारा उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है या कोई सज़ा दी जा सकती है, तो मैं इसका जवाब दूंगा और 15 को पुनः इसकी सुनवाई होगी। ये आज राहुल गांधी जी की तरफ से क्वाशिंग पिटीशन हम लोगों ने फाइल की थी जिसकी आज सुनवाई हुई और मुख्य रूप से इस मुद्दे पर बहस हुई कि सूरत कोर्ट में सजा होने के बाद सेम ग्राउंड के ऊपर, सेम ऑफेंस के ऊपर दूसरा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वो गैर कानूनी है। उन तमाम मुद्दों के ऊपर आज बहस सुनी गई और अभी इस लॉ पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने 15 मई को आगे सुनवाई की डेट लगाई है और जब तक के लिए निचली अदालत के आगे जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको स्टे कर दिया।